हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा चौधरी, पूजा ओम प्रकाश चौधरी चैनल से। और आज मैं एक और ट्रेलर पर रिएक्शन देने आई हूँ। उससे पहले भी मैंने दो वीडियोस पे रिएक्शन दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज कुछ अच्छी मूवीज लाई हूँ मैं रिएक्शन के लिए, ट्रेलर्स के लिए, आपके देखने के लिए। जो हाँ, ये शायद आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इससे कुछ सीख भी ले सकते हैं, एंटरटेन भी हो सकते हैं, अपना कॉमेडी टाइम, सॉन्ग टाइम, डांस टाइम, सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। और ये मूवी है मिस्टर खेसारी लाल यादव सर जी की, और उन्होंने अभी बहुत सारी अच्छी धमाकेदार मूवीज पहले भी दे चुकी थी, और अभी भी उनके कुछ बहुत अच्छे, बहुत धमाकेदार, बहुत एक्शन वाले, पूरा गर्दा उड़ाने टाइप वाली मूवीज आई हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि इस ट्रेलर में क्या क्या है और अपना रिएक्शन दूंगी। उससे पहले मैंने जैसे कि बोला, आपने मेरे दो वीडियोज अगर नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज उसे भी जाके देखिए, उसे भी अपना प्यार दीजिए। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर हो चुका है स्टार्ट और 2013 बाढ़, 2018 सूखा, पूरे जवार में कोई भी दुर्घटना घटती है उस सब का जिम्मेदार पनौती। पनौतिया जब ले गांव में रही ना, तब तक पूरा गांव में पनौती फैला रही। लगा कुछ खतरनाक होने वाला है, बट फिर फनी। मर गए लेकिन पनौतिया जस के तस बैठल बा। अब ये करो जिम्मेदार, हम ही बने रहे। पूरी दुनिया के लिए पनौती, लेकिन इन मोहतरमा के लिए लकी। बड़ा लकी बड़ा है तू, हम क्या फिर से मुसीबत से बचा ले ले? डांस एंड सॉन्ग हमेशा ही ऑसम। हम पंडित हैं, जियो तो खानी और मर तो खानी, अब जरूरत पड़ला गर्ल्स एटीट्यूड खानी। फाइनली तो भी आता हो ये गइल, अब भगवान से प्रार्थना करे कि तोर मिर्गी दोबारा कबो मत आवो। ओकरा पकड़ मार पड़ौती के। अगर तुम अपनी मजबूरी में इतना तेज दौड़ सकते हो तो सोचो अपने नाम से वो सब पनौतीपन का धब्बा हटाने के लिए तुम्हें मौका दिया जाए दौड़ने का, तो तुम कितना तेज दौड़ सकते हो। मैंने देश के कोयले की खदानों से एक ऐसे हीरे को ढूंढ के निकाला है जो हमारे देश का अगला कोहिनूर साबित हो सकता है। मेरे दिमाग में को बहुत धांसू आइडिया आया है। दो माला नीचे से गिरा देते हैं, अपने आप चलाएगा नीचे। तेरा इससे कलंक है, चौना के मौत भी अपना गला लगावे से इनकार करता लग। प्यार ना, अपन पनौती उतारे खाती प्यार का नाटक के ले रानी। हिंदुस्तान की तरफ से शिरकत कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक है। सबकी किस्मत हाथों में है, तेरी है पैरों में, चल तू पार। वो अपने हौसले, मैंने स्ट्रगल, हार्ड वर्क एक इंसान को हमेशा परफेक्ट और सक्सेसफुल बनाती है। कब तक किस गुर्बत में, चल तू पार। इतना ही शौक है ना, तो चल भाग मेरे साथ। अपनी जुबान को लगाम दे वरना। जुबान पे लगाम तो आपको लगाना है, मेरे हौसले तो बेलगाम है। एक्शन डायलॉग। ओए, तो फाइनली गूज़बम्स हो रहे हैं अभी तो, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे। इतना ट्रेलर ही धमाकेदार और सस्पेंसफुल है,
क्या बता सकते हैं हम इसका, ये जो है मूवी हमारी यूट्यूब पे भी प्रोवाइडेड है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उससे पहले मैं ट्रेलर से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ। है इसमें कुछ ऐसा जिसमें उनको बोला गया कि आप बैड हो, मतलब आप किसी भी चीज के लिए पनौती हो, ठीक है। और ऐसा होता है किसी किसी इंसान के साथ होता है जिसे लोग पनौती मानते, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सब भाग्य का दोष होता है, इंसान तो बस एक जरिया बन जाता है। तो ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इसमें आप अपने देश के लिए भी प्यार देखोगे, उसके साथ साथ आप देखोगे कि एक मेहनत एक इंसान को कितना सक्सेसफुल बना दिया। लास्ट वाला जो सीन था बहुत ही खतरनाक था, उसके आगे मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, कितना थोड़ा सा डरावना था, मैं अभी तक डर गई हूँ। सो गाइज इसका लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी, उसके साथ साथ इस मूवी को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, उसके साथ साथ मेरी वीडियोस मेरे रिएक्शन चैनल को भी लाइक दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे और नए नए आइडियाज दीजिए कि मैं इसमें और क्या ऐड कर सकती हूँ, और आपको कौन से सीरीज कौन से ट्रेलर्स पे मेरे रिएक्शन चाहिए। और इस चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और आगे मैं ऐसी वीडियोज बनाते रहूं इसके लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो उसके लिए आपको ढेर सारा लाइक ढेर सारा प्यार देना पड़ेगा। और एक और चीज आप सबके लिए बोलना चाहूंगी, अपने घरों में जो भी आपके बच्चे हैं उनको इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट करिए, इतना मोटिवेट कभी उन्हें पनौती या कुछ ऐसा मत बोलिए जिनसे वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाए, क्योंकि एक फैमिली ही एक जो पर्सन होता है एक बच्चा होता है उसका बैकबोन होता है। जिस तरीके से आप उन्हें पालेंगे बढ़ेंगे या आपके अंदर जो बच्चे का इमेज होगा वही पूरे समाज में जाएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।